गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के हेल्थ टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फूड फॉर डायबिटिक्स पेशेंट। डायबिटिक्स पेशेंट को कौन से खाना खाना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, चलिए आज डिस्कशन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा खाना ऐड करना चाहिए डायबिटिक्स पेशेंट को अपने डेली लाइफ के साथ। तो नंबर वन चले देखते हैं वेजिटेबल। ब्रोकली खाना चाहिए, पत्ता गोभी खाना चाहिए, टमाटो खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, मक्का खाना चाहिए, सेम खाना चाहिए, साग और लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, ऑनियन खाना चाहिए, काली मिर्च उसको भी खाना चाहिए और शलगम। ये जितना मैंने बोला ये आपका होता है वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स के अंदर डायबिटिक्स पेशेंट एप्पल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं और कॉर्न खा सकते हैं। अनाज के अंदर आता है रोटी, अनाज का रोटी, गेहूं और डालिया और पास्ता, ये आप खा सकते हैं। नॉनवेज में अगर देखा गया तो नॉनवेज में आप खा सकते हैं फिश, चिकन और अंडा, मटन नहीं है। उसके बाद आपका कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी और मायने रखता है, कौन सा कुकिंग ऑयल खाना चाहिए, चलिए डिस्कशन करते हैं। वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैसे कि कुकिंग ऑयल में वेजिटेबल ऑयल खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, सोयाबीन ऑयल खाना चाहिए, सफोला गोल्ड एक कंपनी आता है सफोला गोल्ड उसको भी खाना चाहिए, फॉर्च्यून एक्सपर्ट उसको खाना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए, कोकोनट ऑयल खाना चाहिए, रिच ब्रेन ऑयल जो आपका कंपनी आता है फ्रीडम और फॉर्च्यून का, और मे